हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एम एन एस आज के वीडियो में हम जी के एंड जी एस स्टैटिक्स जो है उसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जैसे हर मॉक टेस्ट में करते हैं इसमें भी उसी तरह फिफ्टी क्वेश्चंस हैं यू हैव टू आंसर अलोंग विद मी एंड लास्ट में आपको अपने नीचे मार्क्स कमेंट करके भी मुझे बताना है ठीक है जो बच्चा मार्क्स कमेंट करेगा वो एडमिन से जाके टेलीग्राम पर क्विज भी ले सकता है तो पहला क्वेश्चन है इन विच प्लेस लॉर्ड बुथा हैज़ बीन एनलाइटेंड लॉर्ड बुद्धा जो थे उन्हें किस प्लेस पे एनलाइटमेंट हुई थी ये प्लेस के नाम दिए हुए हैं मैं ऑप्शन रीड कर रही हूँ बोध गया मगर सारनाथ या कपिल वास्तु तो जो भी आपको करेक्ट लग रहा है लिख के रखो अपनी जो कॉपी में जिसमें भी लिख रहे हो उसकी इमेज क्लिक करके आप ग्रुप पे भी, भी भेज सकते हो ठीक है सो तो इसका करेक्ट आंसर है बोध गया ऑप्शन वन ठीक है बोधि ट्री जो थी बोध गया में उसके नीचे उनको एनलाइटमेंट हुई थी नेक्स्ट है हु इज़ द फाउंडर ऑफ आर्य समाज आर्य समाज जो है उसके फाउंडर कौन है स्वामी रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद स्वामी सच्चिदानंद या स्वामी दयानंद सो so इसका करेक्ट होगा इसके फाउंडर थे स्वामी दयानंद सो ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट इज इंडियन कैलेंडर फॉलो विच पैटर्न इंडिया के जो इंडियन कैलेंडर है वो कौन सा पैटर्न फॉलो करता है इसमें से वो आपको बताना है साका संवत पुराण संवत पंचन या हिंदी भाषी पंक्चन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन या ए साका ठीक है नेक्स्ट वन इज फोर्थ व्हाट इज़ द साउथ मोस्ट एरिया ऑफ इंडियन लैंड इंडियन लैंड का साउथ मोस्ट एरिया कौन सा है ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट सेकंड है कन्याकुमारी थर्ड है गल्फ ऑफ मन्नार एंड फोर्थ इज इंदिरा कोल जो भी आपको करेक्ट लग रहा है वीडियो पॉज करो और अपनी कॉपी में उसका आंसर लिखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ है अंडमान एंड निकोबार में ओके अंडमान एंड निकोबार नेक्स्ट इज फिफ्थ वन द सन राइज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट सबसे पहले कौन सी स्टेट में इंडिया के सन होता है ऑप्शंस देखते हैं गुजरात ऑप्शन बी राजस्थान ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी आसाम सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड वन अरुणाचल प्रदेश ठीक है सबसे पहले राइज यहाँ होती है सबसे लास्ट में कहाँ होती है सबसे लास्ट में होती है गुजरात में नेक्स्ट इज़ इंसुलिन यूज़ टू क्योर विच डिज़ीज़ इंसुलिन कौन सी डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ होती है कैंसर एच आई वी डायबिटीज़ या ल्यूक्यूमिया इट्स वेरी ईजी द करेक्ट आंसर इज डायबिटीज़ ठीक है तो ऑप्शन थ्री जो है वो करेक्ट हो जाएगा अगला है सेवेंथ बीहू इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया भी हुआ है बीहू के ऊपर बीहू कौन से स्टेट का फेमस फेस्टिवल है आपको बताना है आसाम का नागालैंड का त्रिपुरा का या उड़ीसा का तो बीहू जो है कहाँ का है आसाम का है तो ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है एट विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फाउंड इन गूसबेरी गूसबेरी में कौन सी विटामिन पाई जाती है विटामिन ए विटामिन बी वन विटामिन सी या विटामिन डी सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड विटामिन सी ठीक है गूजबेरी आंवला उसमें विटामिन सी पाई जाती है नेक्स्ट इज हु फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के आपको ये बताना है लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कार्निवेलीज लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड वेलिंगटन ये सब स्टार्टिक जीके के क्वेश्चन है एंड करेंट अफेयर वाले इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा फिर से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग नेक्स्ट है टेंथ इन विच कंट्री पेपर वॉज इन्वेंटेड पेपर कौन सी कंट्री में इन्वेंट हुआ था यह सब ल्यूसिन के क्वेश्चन है ठीक है ये ल्यूसिन में क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी क्वेश्चन ल्यूसिन में दिया हुआ है आपको पता है हमारे एग्जाम में ल्यूसिन से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं तो जिसने बुक नहीं ख़रीदी है इसी को अच्छे से सॉल्व कर लो हाँ तो ऑप्शन है इसके इंडिया इजिप्ट चाइना जर्मनी दिस इज अ टेंथ टेस्ट जो मॉक टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें ये टेंथ है इससे पहले मैंने नौ और टेस्ट डाले अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो आप देख के उन सारे को सॉल्व कर लेना okay? नौ डाल चार मैंने मॉक uh, टेस्ट भी डाले हुए हैं so, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चाइना नेक्स्ट इज क्वेश्चन इलेवन फिलंथियस एमेलिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ये किसका साइंटिफिक नेम है आपको बताना है बनाना गुआवा चेरी या गूजबेरी दिस इज क्वेश्चन नंबर इलेवन दस हो गया अभी इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर विच इज गूजबेरी गुजबेरी क्या आमला अभी बताया ना पीछे सो so, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ नेक्स्ट वन इज वट वॉज द चाइल्ड हुड नेम ऑफ गौतम बुद्धा गौतम बुद्धा जो थे उनका चाइल्ड हुड नेम क्या था सिद्धोदन राहुल सिद्धार्थ या महावीर पॉज करके खुद ट्राई करो पहले उसके बाद आंसर देखो ठीक है ये तो कोई फायदा नहीं होगा इस फॉर्म में देने का देन मैं सीधा नीचे आपको आंसर या आंसर टिक मार्क या बोल्ड करके भी दे सकती हूँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड सिद्धार्थ नेक्स्ट थर्टीन हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स इंडियन आर्म फोर्सेस के जो सुप्रीम कमांडर हैं वो कौन होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवर्नर प्राइम मिनिस्टर या प्रेजिडेंट तो जो सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन आर्मी के वो होते हैं प्रेसिडेंट ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वन नेक्स्ट है द नाइट ब्लाइंडनेस स्कर्सड बाय लैक ऑफ विच विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस जो डिजीज है वो कौन से विटामिन की कमी से होती है विटामिन ए विटामिन बी वन विटामिन सी या विटामिन डी जी के और जी एस मिक्स है इसमें तो ये जी एस का क्वेश्चन हो गया ये होती है विटामिन ए की कमी से तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा अगला है पोंगल इज़ अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट कौन सी स्टेट का फेमस फेस्टिवल है ये पोंगल कर्नाटका तमिलनाडु केरला या आंध्र प्रदेश देखो ये सारे स्टेट्स काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं इसलिए ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसमें काफ़ी लोगों का गलत हो जाता है तो ये पोंगल जो है वो कहाँ होता है तमिलनाडु में तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा अगला है हु हैज इन्वेंटेड टेलीविजन टेलीविजन किसने इन्वेंट किया था इसमें से आपको बताना है जॉन लॉजी बियर्ड जॉन रॉबर्ट एच स्टीफन बेंटिक या माइकल वी डॉन सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन जॉन एल बी और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना ये रह गया टेलीविज़न आपका टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था ठीक है टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे नेक्स्ट है हु वॉज़ द फर्स्ट फ़ीमेल रूलर ऑफ इंडिया इंडिया की फ़र्स्ट फीमेल रूलर कौन थी रानी लक्ष्मीबाई रज़िया सुल्तान हरका बाई या नूरजहाँ तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू रज़िया सुल्तान ये इंडिया की फ़र्स्ट फीमेल रूलर थी ठीक है और ये पता है हिस्ट्री के सेवेंथ क्लास में दिया हुआ है हिस्ट्री क्लास सेवन्थ में दी हुई है तो अगर आप बेसिक हिस्ट्री भी पढ़ते हो तो आपका एग्ज़ाम में काफ़ी वहीं से आ जाएगा एट्थ तक की भी हिस्ट्री अगर आपको मालूम होगी तो क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन सब के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते पर जो आते हैं वो बेसिक ही होते हैं अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मास्टर ग्लैंड इनमें से किसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्लैंड को ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज हु गिव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद ये जो इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन है ये किसने दिया था सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद ने या राजगुरु ने इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू भगत सिंह नेक्स्ट इज इन विच डेट जलियावाला बाग ट्रेजिडी हैपन्स ये मैंने जस्ट आपको करवाया अभी जो मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स एंड थीम्स वाले सेशन लिए हैं तो ये आप ही मुझे कमेंट करके बताओगे मैं नहीं बताने वाली इसका आंसर ऑप्शन रीड कर रही हूँ मैं 13 नवंबर 1919, 21 ट्वेंटी फर्स्ट नवंबर नाइनटीन नाइनटीन अप्रैल नाइनटीन या 31 फर्स्ट जुलाई नाइनटीन क्योंकि मैंने अभी करवाया इसलिए मैं नहीं बता रही मुझे नीचे कमेंट्स में सबके आंसर चाहिए ठीक है अपने जब मार्क्स लिखोगे साथ में मुझे इसके आंसर भी आप बताओगे क्वेश्चन ट्वेंटी वन आफ्टर लेफ्ट द कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड विच ग्रुप जब उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस छोड़ दी थी उसके बाद कौन से कौन सी ग्रुप उन्होंने फाउंड की थी रानी लक्ष्मी रेजिमेंट चलो दिल्ली ग्रुप ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक या आज़ाद हिंद फौज सो so, इनकी जो ग्रुप थी जो उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद बनाई थी वो थी सबसे पहले ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक करेक्ट हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो था वो भी इन्होंने ही बनाया था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर नेक्स्ट इज हु इज़ नोन एज पंजाब केसरी पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता था भगत सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल रविंद्रनाथ टेगोर या लाला लाजपत राय पॉज करके लिखो आंसर इसका द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन फोर लाला लाजपत राय नेक्स्ट इज ह्यूमन यूज़ विच मेटल फर्स्ट सबसे पहले ह्यूमन ने कौन सा मेटल यूज़ किया था गोल्ड सिल्वर ब्रास या कॉपर सो जो सबसे पहले ह्यूमन ने यूज़ किया था मेटल वो था कॉपर नेक्स्ट इज हु हुक्रीफाइड हिज लाइफ फर्स्ट इन 1857 फिफ्टी सेवन रिवॉल्ट एटीन का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें सबसे पहले किसने अपनी जान दी थी ऑप्शन है लियाकत अली बहादुर शाह जफर रानी लक्ष्मीबाई या नन ऑफ अब सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर विच इज नन ऑफ अबव इनमें से कोई भी नहीं था तो जो फर्स्ट थे जिनकी सेक्रीफाइज हुई थी लाइफ वो थे मंगल पांडे ओके okay, मंगल पांडे नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन थी एनी बेसेंट मीरा कुमारी सुचित्रा कृपालिनी या सरोजनी नायडू तो फर्स्ट फीमेल गवर्नर जो इंडिया की थी वो थी सरोजनी नायडू तो ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है द फर्स्ट फीमेल इंडियन हुउंट एवरेस्ट ट्वाइट्स तो कौन सी फर्स्ट फीमेल है इंडिया की जो माउंट एवरेस्ट पे दो बार गई हैं अपर्णा कुमारी अंशुल मोनी संतोष यादव या सुलोचना राठी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन थ्री संतोष यादव नेक्स्ट इज हु फाउंडेड ब्रह्म समाज आर्य समाज था अभी ब्रह्म समाज है ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे स्वामी दयानंद सरस्वती मदन मोहन मालवीय राजा राम मोहन रॉय या स्वामी विवेकानंद द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी थर्ड राजा राम मोहन रॉय नेक्स्ट इज ये किसने कहा था ये लाइन स्वामी दयानंद सरस्वती मदन मोहन मालवीय राजा राम मोहन रॉय या स्वामी विवेकानंद तो ये बोला था स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो ऑप्शन वन जो है वो करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन एस्ट्रोनॉट सी आउटर स्काई एज एस्ट्रोनॉट को कैसा दिखता है आउटर स्काई ब्लैक ब्लू ग्रीन या वाइट ये क्वेश्चन मैंने पहले भी ले रखा है क्विज में भी ले रखा है इसका करेक्ट आंसर है ब्लैक ऑप्शन वन नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर थर्टी वेन वॉज वास्को डिगामा केम इन इंडिया वास्को डिगामा कब आया था इंडिया में थर्टीन नाइनटी एट ए डी फोर्टीन नाइन्टी एट ए डी फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स ए डी या सिक्सटीन हंड्रेड ए डी ये जो यहाँ पे ए डी ए डी आ रहा है बार बार इसका मतलब क्या होता है ए डी इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करके मुझे आप बताओ नीचे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड फोर्टीन नाइन्टी एट ए क्या होता है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे नेक्स्ट थर्टी वन वेन ईस्ट इंडिया कंपनी हैड केम इन इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी इंडिया में सेवनटीन सिक्सटी वन ए डी नाइन सॉरी ट्वेल्व नाइन्टी ए डी फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स ए डी या सिक्सटीन हंड्रेड ए डी ईस्ट तो इंडिया कंपनी आई थी सिक्सटीन हंड्रेड एडी में ठीक है और ये फोरटीन नाइन्टी एट में अगला है गुरु नानक देव वॉज बॉर्न इन विच प्लेस गुरु नानक देव कौन सी जगह पे बॉर्न हुए थे करतारपुर पाटलिपुत्रा ननकाना साहेब या लुम्बिनी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री नेक्स्ट हु गेव द कंसेप्ट ऑफ खालसा किसने दिया था गुरु अंगद देव ने गुरु नानक देव ने गुरु रामदास ने या गुरु गोविंद सिंह ने तो ये दिया था गुरु गोविंद सिंह ने अगला है व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी कितनी होती है फोर लाख रुपीस थ्री पॉइंट सेवन लाख रुपीस थ्री पॉइंट फाइव लाख रुपीस या फाइव लाख रुपीस तो इनकी जो सैलरी होती है वो होती है पाँच लाख रुपए ठीक है तो ऑप्शन फोर इज द करेक्ट नेक्स्ट इज़ हु इज़ नोन एज द आयरन मैन आयरन मैन किसे बोला जाता है महात्मा गांधी को सरदार वल्लभ भाई पटेल को बाल गंगाधर तिलक को या लाला लाजपत राय को इन सब के कुछ ना कुछ निकले में लाला लाजपत राय का हमने अभी कवर किया उनको बोलते थे पंजाब केसरी ठीक है आयरन मैन हम बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो ऑप्शन टू इसका करेक्ट हो गया महात्मा गांधी को बापू बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक को किसी नाम से अगर बोलते हैं तो वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि किस नाम से बोलते हैं ठीक है उनका एक निक नेम क्या है इसका करेक्ट आंसर सेकेंड ओके थर्टी सिक्स विजय घाट इन डेली इज एसोसिएटेड विद होम विजय घाट जो है दिल्ली में वो इसमें से किससे एसोसिएटेड है जैसे राजघाट है वैसे ही विजयघाट है तो विजय घाट किसके लिए बनाया गया लाल बहादुर शास्त्री के लिए महात्मा गांधी के लिए जवाहरलाल नेहरू के लिए या बी आर अम्बेडकर के लिए तो ये बना है लाल बहादुर शास्त्री के लिए तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा अगला है हु अर्थशास्त्र अर्थशास्त्रा किसने लिखी है मेघास्तनीस वेदव्यास मनमोहन सिंह या क्वाटल्या दस क्वेश्चन एवरीबडी नोज इसका होगा फोर्थ क्वाटल्या ऑल्सो नोन एज चनाक्या ठीक है इन्होंने लिखी दी नेक्स्ट थर्टी एट हु इज़ अ परमानेंट प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली परमानेंट प्रेजिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली का जवाहरलाल नेहरू बी आर अम्बेडकर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ राजेंद्र प्रसाद नेक्स्ट है फर्स्टली मेट्रो ट्रेन वॉज स्टार्टेड इन विच सिटी सबसे पहली मेट्रो ट्रेन कौन सी सिटी में स्टार्ट हुई थी इंडिया के दिल्ली हैदराबाद कोलकाता या बैंगलोर सबसे पहले हुई थी कहाँ ये बताना तो ये हुआ था कोलकाता में ऑप्शन थ्री जो है वो करेक्ट हो जाएगा अगला है वेन वी ऑब्ज़र्व रेड क्रॉस डे रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है चार अप्रैल को आठ मई को दस जुलाई को या थर्टीन सेप्टेम्बर को तो ये होता है आठ मई को विच इज़ एट मई ठीक है इस दिन रेड क्रॉस डे मनाया जाता है फोर्टी वन विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से किस कंट्री को जाना जाता है ये क्वेश्चन भी मैंने आपको क्विज में करवाया हुआ है नॉर्वे जापान इंडिया या जर्मनी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू जापान जापान को हम बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन ओनम इज फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट ओनम कौन सी जगह का फेमस फेस्टिवल है आसाम उड़ीसा आंध्र प्रदेश या केरला है केरला का वेन दिल्ली हैज बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली कब बनी थी कैपिटल इंडिया की नाइनटीन फिफ्टी फाइव एडी में 1974 सेवेंटी फ़ोर में 1911 इलेवन में या 1947 फोर्टी में तो ये बनी थी 1911 एडी में तो ऑप्शन थ्री करेक्ट हो जाएगा इससे पहले कौन सा कैपिटल था इंडिया का कोलकाता ठीक है कलकत्ता बोलते थे तब उससे पहले था कोलकाता नेक्स्ट है विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद लोकसभा इसमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो लोकसभा से एसोसिएटेड है आर्टिकल सेवेंटी एट सॉरी सेवेंटी नाइन आर्टिकल एटी आर्टिकल एटी वन या आर्टिकल एटी टू तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड आर्टिकल एटी वन आर्टिकल एटी वन जो है लोकसभा से रिलेटेड है या एसोसिएटेड है विच प्लान इज नोन एज द गैलेक्सी लाइक प्लान किस प्लानट को गैलेक्सी लाइक प्लानट बोलते हैं वीनस नैप्टून जिपिटर या सैटन तो सैटन को हम बोलते हैं गैलेक्सी लाइक प्लानट तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा अगला है विच प्लानट कंटेन सेकेंड मैक्सिमम सेटेलाइट कौन सी प्लानट में सेकेंड नंबर पर सबसे ज्यादा सैटेलाइट हैं वीनस प्ट्यून जुपिटर या सैटन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर सैटन सैटन के पास सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा है उससे पहले किसके पास है जुपिटर के पास विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम ज्ञानीमेड टाइटन फोबिन या साइरस ये भी घबरा रखा है मैंने इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन गीमेड और ये किसका है जुपिटर का ठीक है नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग नेशनल फ्लैग की रेशियो क्या है टू रेशियो थ्री थ्री रेशियो टू सिक्स रेशियो फोर या टू रेशियो वन झंडा होता है ना ऐसा इसकी रेशियो बतानी है क्या होता है करेक्ट रेशियो ओके फोर्टी नाइन रिटन नेशनल सॉन्ग नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है रविन्द्र नाथ टेगोर बांकेम चंद्र चटर्जी मदन भिकाजी कामा या महात्मा गांधी ये लिखा है बांकिम चंद्र चटर्जी ने तो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट इज फिफ्टी गिवन द टाइटल ऑफ राष्ट्रपिता टू महात्मा गांधी महात्मा गांधी को ये राष्ट्रपिता जो टाइटल है किसने दिया था सुभाष चंद्र बोस ने रविन्द्र नाथ टैगोर ने भगत सिंह ने ये जवाहरलाल नेहरू ने रूने. तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने ठीक है सो ऑल फिफ्टी क्वेश्चन कम्प्लीटेड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आई ऑल्सो होप कि आपने टेस्ट मेरे साथ दिया होगा तो मुझे नीचे अपने मार्क्स कमेंट करके सबको बताना है इस वीडियो को शेयर करना है आप सभी को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक किसी ने नहीं, नहीं किया तो ठीक है सो मुझे नीचे सबको ही अपने मार्क्स लिख के देगा टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड बच्चे देखते हैं उसमें से ओनली हंड्रेड बच्चे ही अपने मार्क्स लिख के देते हैं क्यों बाकी लोग अटैम्प्ट नहीं करते हो क्या अगर अटैम्प्ट किया है तो नीचे एक मुझे बताओ भी अपने कितने मार्क्स आए हैं ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो करेंट अफेयर के ऊपर होगी तो वो भी आप देख लेना क्योंकि काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं उनका करंट अफेयर कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं बैक टू बैक अभी आपको करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड करूँगी ताकि आपका टेस्ट से पहले वो कंप्लीट हो जाए सो थैंक्स अगेन सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो